Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve class 10 science chapter 4 carbon and its compounds, MCQs with answers and very short questions. In previous session we have already solved some of the MCQs and rest will solve today. I will elaborate each question through PowerPoint presentation in Hindi and English mix to understand you easily. Now let us start the question. आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे. इससे पीछे वाले सेशन में भी हमने एमसीक्यूज किए हैं, आप हमारे चैनल से देख सकते हैं उसको. तो आज शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 54. Carbon exists in the atmosphere in the form of option A, carbon monoxide only, option B, carbon monoxide in traces and carbon dioxide, C, carbon dioxide only, and D, coal. The correct answer is C, carbon dioxide only. Carbon जो atmosphere में exist करता है in the form of carbon dioxide only. Next question. A molecule of ammonia NH3 has option A only single bonds, only double bonds, only triple bonds, and option D two double bonds and one single bond. तो जो अमोनिया की मॉलिक्यूल होती है NH3, तो NH3 में जो नाइट्रोजन है उसके आउटर मोस्ट में कितने तीन होते हैं और हाइड्रोजन का थ्री पार्ट होता है जो सिंगली सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं. तो जो अमोनिया मॉलिक्यूल बनता है NH3 वो किससे जुड़ा होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है. नाइट्रोजन हैज थ्री इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल एंड हाइड्रोजन हैज वन, तो थ्री हाइड्रोजन एटम कंबाइन विथ वन नाइट्रोजन एटम टू मेक अमोनिया NH3. दीज बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स. तो जो NH3 मॉलिक्यूल बनता है अमोनिया उसमें ओनली सिंगल बॉन्ड्स होता है. करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन. हमें ये स्ट्रक्चरल दिया है, स्ट्रक्चर ब्यूटेन का, इसमें हमें करेक्ट आइसोमर बताना है ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल. ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 1 and 3, ऑप्शन बी 2 and 4, ऑप्शन सी 1 and 2, एंड ऑप्शन डी 3 and 4. तो जो हमारा ब्यूटेन होता है उसमें कितने चार कार्बन होते हैं, 1, 2, 3, 4. ये ब्यूटेन मतलब अल्केन है तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे. अब ये 1, 2, 3, अब यहाँ पे क्या है, ये साइक्लिक हो गया तो ये ब्यूटेन नहीं है. यहाँ पे ये कार्बन क्या है, साइक्लिक हो गया. और जो ब्यूटेन और अल्केन होता है वो अनसाइक्लिक होता है तो ये नहीं हो सकता. एक तो ये स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन है, सेकंड ये कार्बन 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 और ये कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन की तीन हाइड्रोजन से जुड़ा है, यहाँ कार्बन 4 हो गया, यहाँ भी 1, 2, 3 और ये कार्बन से जुड़ा 4 और ये कार्बन 3, 4 हो जा रहा है, तो ये भी ब्यूटेन का करेक्ट स्ट्रक्चर है, आइसोमर हुआ यहाँ पे. तो यहाँ भी साइक्लिक कंपाउंड, सारे कार्बन जुड़े हुए हैं मतलब एक दूसरे से, मतलब ये साइक्लिक है तो साइक्लिक नहीं होता है ब्यूटेन. दैट मीन्स द करेक्ट स्ट्रक्चर इज फर्स्ट एंड सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3CH2OH अपॉन हीटिंग विथ अल्कलाइन KMn4 दैट गिव्स CH3COOH. इन द एबव रिएक्शन अल्कलाइन KMn4 एक्ट एज
ऑप्शन ए रिड्यूसिंग एजेंट, ऑप्शन बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन सी कैटलिस्ट, ऑप्शन डी डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इन दिस रिएक्शन अल्कलाइन के अनुपर क्या कर रहा है? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिप्लेस हाइड्रोजन, CH3COH CH2 रिप्लेस हो जा रहा है। टू हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड बाय एन एटम ऑफ ऑक्सीजन मेकिंग ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। हियर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड बाय पोटेशियम, दैट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन द अबव रिएक्शन अल्कलाइन KNO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58। आयल्स ऑन ट्रीटिंग विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ द प्लेडियम और निकल कैटलिस्ट फॉर्म्स फैट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन ए एडिशन रिएक्शन, ऑप्शन बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन डी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो व्हेन आयल ऑन ट्रीटिंग विथ हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम और निकल कैटलिस्ट फॉर्म्स फैट्स, दैट इज अ एडिशन रिएक्शन। करेक्ट आंसर इज ए एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज द फंक्शनल ग्रुप। OH क्या है? अल्कोहल ग्रुप है। ऑप्शन क्या दिया है? ब्यूटोनिन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनॉल। तो जो ब्यूटेनिन है इसमें कौन सा ग्रुप लगा है? कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ। ब्यूटेनॉल ओ एल, दैट इज अल्कोहल। इसमें क्या लगा है? OH फंक्शनल ग्रुप लगा है, दैट इज अ करेक्ट आंसर, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनिक एसिड, इसमें एसिड ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप इज एसिड, सी ओ ओ एच। और ब्यूटेनॉल दैट इज एल्डिहाइड, सी एच ओ। तो करेक्ट आंसर इज OH ग्रुप किसमें प्रेजेंट है? ब्यूटेनॉल ओ एल, दैट इज अल्कोहलिक ग्रुप ओ एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। ऑप्शन हमारे को दिया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो करेक्ट है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है डी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पे, अब ये यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, जैसे कि ये तीन और ये तीन, यहाँ पे दो, आउटर मोस्ट सेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के, इस नाइट्रोजन के भी तीन, तो ये तीन तीन मिलके एक इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और यहाँ से इसका, तो दैट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज, इथाइन, इथाइन मतलब अल्काइन ग्रुप, CnH2n-2। इसमें कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये दैट इज ए ट्रिपल बॉन्ड, इसमें ए एच सी, ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अब ये यहाँ पे कार्बन की जो वैलेंसी है पूरी हो जा रही, हाइड्रोजन भी पूरा हो गया, इसमें H3 से ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या हो गया? अब कार्बन की वैलेंसी यहाँ ज्यादा, दैट इज रॉन्ग। अब यहाँ पे ये अल्काइन ग्रुप नहीं है और ये भी सिंगल बॉन्ड है, मतलब दैट इज ए ट्रिपल बॉन्ड, ये इथाइन, दैट इज ए इथाइन। करेक्ट आंसर इज ए, एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द अनसेचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, क्लोरोपरपेन। ऑप्शन ए 1 and 2, बी 2nd and 4, सी 3rd and 4, डी सेकेंड एंड थर्ड। तो जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड, दैट मीन्स कि सेचुरेट होने के लिए उसको और मॉलिक्यूल, जैसे प्रोपेन, प्रोपेन क्या है? ये कंप्लीट है, तो ये अनसेचुरेटेड नहीं है। प्रोपीन एंड प्रोपाइन,
are unsaturated compound. मतलब सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12. इट हैज 5 कोवेलेंट बॉन्ड, 12 कोवेलेंट बॉन्ड, 16 कोवेलेंट बॉन्ड और 17 कोवेलेंट. तो पेंटेन क्या है? अल्केन. अब इसमें कितने कार्बन है? 5. तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं वो किससे? कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं. तब इसमें कितने के कोवेलेंट बॉन्ड है? तो इसमें जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम लिखते हैं और बॉन्ड अगर हम ऐड करते हैं तो कितने आएंगे? 16 कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि 5 कार्बन है. तो कितने हो गए? जो फर्स्ट कार्बन है इस पे 3 हाइड्रोजन हो गए, और जो लेफ्ट फर्स्ट और राइट फर्स्ट में 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन हो गए, तो 6 हो गए. और जो बीच के 3 कार्बन बचे इस पे 2-2 हाइड्रोजन हो गए, तो 6 ये हो गए. तो 6 और 6 12. और जो 5 कार्बन जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड से, वो 4 वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, एक से एक एक से एक, तो 12 + 4 = 16 कोवेलेंट बॉन्ड. मतलब कि पेंटेन हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 16 कोवेलेंट बॉन्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 64. इन द सोप मिसेल्स द ऑप्शन ए, द आयनिक एंड ऑफ सोप इज ऑन द सरफेस ऑफ क्लस्टर while the carbon chain is in the interior of the cluster. The ionic end of soap is the interior of the cluster and the carbon chain is out of the cluster. Option C. Both ionic end and carbon chain are in the interior of the cluster. And option D. Both ionic end and carbon chain are on exterior of the cluster. तो जो soap missile होता है उसमें जो ionic end और कार्बन चेन का होता है कहां पे होता है? आयनिक एंड ऑफ द सोप इज द ऑन द सरफेस ऑफ, व्हाइल कार्बन चेन इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर. क्यों? क्योंकि मिसेल इज अ स्फेरिकल एग्रीगेट सोप मॉलिक्यूल्स इन सोप सॉल्यूशन. इन सोप मिसेल्स द आयनिक एंड ऑफ द सोप इज ऑन द सरफेस व्हाइल द कार्बन चेन इन द इंटीरियर. जो कार्बन चेन है वो क्लस्टर के अंदर दिखता है. तो करेक्ट आंसर इज ए. The ionic end of the soap is on the surface of the cluster, while the carbon chain is in the interior of the cluster. Next question. Question 65. A structural formula of benzene is. So benzene ka molecular formula, jise yahan pe, benzene is also a cyclic compound. रिंग होते, मतलब कि बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं, जिसमें एक डबल बंड से अल्टरनेट जुड़े होते हैं. लेकिन अब यहाँ पे तो 6 कार्बन है, पर ये 2 डबल बंड तो यहाँ पे संभव नहीं है, कार्बन की बैलेंसी ज्यादा हो जाएगी. ये 2, 1, 3, 4, लेकिन ये क्या हो गया? 2, 1, 3, 1, 4, that is not, ये भी. तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट. अल्टरनेट डबल बॉन्ड है C6H6, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, C6. अब ये कार्बन की 1, 2 और 2, 4, यहाँ 2, 1, 2, मतलब 1, 4, यहाँ भी 2, 1 और 1, 4 हो जाएगा. तो सारे कार्बन की टेट्रावेलेंसी पूरी हो जा रही है और सब हाइड्रोजन. तो कार्बन कितने हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 हाइड्रोजन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6. तो दैट इज द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम एंड फॉर्म्स 2 प्रोडक्ट्स. दीज आर सोडियम इथेनेट एंड हाइड्रोजन, सोडियम इथेनेट एंड ऑक्सीजन,
sodium ethoxide and hydrogen, sodium ethoxide and oxygen. Methanol C2H5OH react with sodium and form two products. तो जब इथेनॉल सोडियम से रिएक्ट होता है तो दो प्रोडक्ट बनता है, एक सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन. सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन CH3 Na से जब इथाइल अल्कोहल रिएक्ट हो रहा है CH3 CH2O Na, देखिए सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन H2. That is the correct answer, C. Next question. The correct structural formula of butanoic acid is. तो butanoic acid मतलब कि butane में कितने कार्बन? चार कार्बन होते हैं. Acid group मतलब COOH. तो चार कार्बन किसमें है इसे स्ट्रक्चर में? एक दो तीन चार COH. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ बैलेंस देखेंगे, यहाँ ये कार्बन की फोर है लेकिन यहाँ पे सी एक दो और दो डबल बॉन्ड है. ब्यूटेनिक एसिड में डबल बॉन्ड नहीं होता है, कार्बन कार्बन में, ऑक्सीजन में होता है. अब ऑक्सीजन का भी यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो ओ एच, लेकिन ये गलत है क्योंकि सी डबल बॉन्ड नहीं होता है. अब यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, तो ये ब्यूटेनिक हुआ नहीं, ये पेंटेन पेंटोनिक हो जाएगा. यहाँ एक दो तीन चार और पर यहाँ पे क्या है, अल्कोहल ग्रुप OH COOH एसिड होना चाहिए, ब्यूटेनिक एसिड. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. यहाँ पे वन टू थ्री फोर और ये सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, यहाँ COOH सी डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन का दो, यहाँ भी ऑक्सीजन का एक सिंगल इधर, एक हाइड्रोजन से, और सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से CH2 CH3 CH2 CH2 COOH. दैट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनिक एसिड. द करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज मिनरल एसिड आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, मिनरल एसिड आर पार्शली आयनाइज्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड आर पार्शली आयनाइज्ड. मिनरल एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाता है, आयन में टूट जाता है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जो वीक एसिड है ऑर्गेनिक एसिड्स, वो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं. दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज 1 and 4. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 69. कार्बन फॉर्म्स फोर कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विथ फोर यूनिवैलेंट एटम्स एज फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फोर बॉन्ड्स कार्बन अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियोन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी क्रिप्टन. कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फोर यूनिवेलेंट एटम से रिएक्ट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन से, तो क्या हो जाता है, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है. तब ऑक्टेट पूरा हो जाता है, किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अटेंड करता है, दैट इज नियोन. करेक्ट आंसर इज बी नियोन. क्यों? कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p2, कार्बन 6 होता है, मतलब कि 1s2 यहां कंप्लीट हो गया, 2s2 ये भी कंप्लीट हो गया, और 2p2 पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, लेकिन यहाँ पे 2 है, मतलब कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. अब इसको 4 ये कितना करेगा, शेयर करेगा 4, तो 4 यूनिवेलेंट हाइड्रोजन जब शेयर किया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6. दैट इज द
electronic configuration of neon. कार्बन ऑक्टेट पूरा हो गया, अब 6 और 2 इसका 8 हो गया, तो ऑक्टेट पूरा हो गया 2s2 और 2p2, 2p2 भी फुल हो गया, p में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो 4 यूनिवेलेंट हाइड्रोजन से जब हुआ तो इसका पूरा हो गया, तो 6+2 ऑक्टेट पूरा हो गया, दैट इज द 1s2 2s2 एंड 2p6, दैट इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ न्यून. द करेक्ट आंसर इज बी, न्यून इज इनर्ट गैस. अब वो इनर्ट हो गया, दैट इज नॉट रिएक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज. डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा? ऑप्शन जो दिए हैं, करेक्ट ऑप्शन इज, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे, अब लेकिन यहाँ क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दैट इज इनकरेक्ट. यहाँ ये ठीक है, ये भी ठीक है डॉट, ये भी, लेकिन यहाँ पे फिर सिंगल डॉट, मतलब कि सिर्फ ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन क्योंकि 2 पूरा होना चाहिए, कंप्लीट तभी होगा. अब ये सी 2 2 2, दैट इज अ करेक्ट. तो इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर H2O मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी इज करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन. कौन सा स्ट्रेट चेन नहीं है हाइड्रोकार्बन? तो स्ट्रेट चेन मतलब कि कोई ब्रांच नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये CH3 CH2 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 CH3, दैट इज अ स्ट्रेट चेन. ये भी CH3 CH3 CH2 इज बिल्कुल स्ट्रेट चेन है. ये भी CH3 CH2 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 CH3, ये भी स्ट्रेट चेन है. अब यहाँ पे CH3 CH CH2 CH2 CH3, लेकिन यहाँ पे 2 CH3 लगा हुआ, मतलब एक क्या है, एक ब्रांच है, दैट इज नॉट ए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन. तो जो स्ट्रेट चेन होता है उसमें कोई ब्रांच नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज नॉट ए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 72, द हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन CH3 CH2 OCH2 CH2 Cl आर ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन. ऑप्शन ए 1 एंड 2, बी 2nd एंड 3rd, सी 3rd एंड 4th, डी 1 एंड 4th. तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक होते हैं कंपाउंड, उसमें मेनली क्या एसेंशियल कंपोनेंट, कार्बन और हाइड्रोजन. ऑक्सीजन एंड क्लोरीन आर नॉट अमंग एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. कार्बन और हाइड्रोजन आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन, हेंस ऑक्सीजन एंड क्लोरीन आर हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर. क्यों? हाइड्रोकार्बन मेनली जो मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं, लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते हैं. ऑक्सीजन और क्लोरीन इज नॉट अ मेन एसेंशियल पार्ट, दैट इज अ सब्सिडरी पार्ट, दैट इज नोन एज हेट्रो एटम्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1 एंड 4. नेक्स्ट क्वेश्चन 73, इथेनॉल ऑन हीटिंग एट 443 के विथ कंसेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH4, C2H6. व्हेन इथेनॉल हीटिंग एट 443 के इन प्रेजेंस ऑफ कम सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स CH2 डबल बॉन्ड CH2. करेक्ट आंसर इज ए, अल्कीन, दैट इज एथीन, एसिटिलीन. CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब कि
इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया अल्किन का, सी एन एच टू एन। तो सी एन सी कितना है, दो, तो एच टू एन हो गया, मतलब एच दो, दो प्लस दो चार, दैट इज ए डबल बॉन्ड, टू प्लस टू चार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 74, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एस्पोनिफिकेशन रिएक्शन। ऑप्शन ए सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए प्लस एन ओ एच दैट गिव्स सी एच फोर प्लस एन ए टू सी ओ थ्री। ऑप्शन बी सी एच थ्री सी ओ एच प्लस सी टू एच फाइव ओ एच दैट गिव्स सी एच थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव प्लस एच टू। ऑप्शन सी टू सी एच थ्री सी ओ एच प्लस टू एन ए दैट गिव्स टू सी एच थ्री सी ओ एन ए प्लस एच टू। ऑप्शन डी सी एच थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव प्लस एन ओ एच दैट गिव्स सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए प्लस सी टू एच फाइव ओ एच। द करेक्ट आंसर इज एस्पोनिफिकेशन रिएक्शन डी सी एच थ्री सी ओ ओ प्लस ओ सी टू एच फाइव प्लस एन ओ एच दैट गिव्स सी एच थ्री COO Na plus C2H5 that is a esponification reaction. That means ki when ethanol and sodium ethanoate are produced upon treatment of ester, that is a ester with alkali, NOH is alkali, is called esponification reaction. When जब एस्टर अल्कली से रिएक्ट करता है तो क्या इथेनॉल और सोडियम इथेनॉइड देता है, दैट इज ए सी एच थ्री सी ओ एन ए सोडियम इथेनॉइड प्लस इथाइल अल्कोहल इथेनॉल, दैट इज ए एस्टर इथाइल इथेनॉइड, इथाइल इथेनॉइड प्लस एनओएच सोडियम हाइड्रोक्साइड when react that gives sodium ethanoate plus ethyl alcohol, that is a esponification reaction. That means ki ester react with alkali that gives ethanol and sodium ethanoate, that is known as esponification reaction. Next question, ab question number 75 to 79 are assertion and reasons, usme assertions भी दिए हैं और रीजन भी दिए हैं। हमें बताना है कि क्या assertion और रीजन दोनों ही एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सही हैं और एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, या assertion ट्रू है रीजन भी ट्रू है बट रीजन assertion को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ऑप्शंस दिए हैं जैसे कि बोथ द assertion एंड द रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज the correct explanation of the assertion. Option B, assertion and reason are correct but the reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is true but the reason is false. Option D, the statement of the assertion is false but the reason is true. तो ये assertion और reason questions में ही और उनके answers दिए होते हैं। जैसे कि question 75, इसमें से मीथेन इज सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। जो मीथेन है वो सिंपलेस्ट सबसे पहला सैचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट, दैट इज करेक्ट, और नेचुरल गैस का मेजर कंपोनेंट है। रीजन, मीथेन बिलोंग्स टू अल्कीन, दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज मीथेन इज अल्केन, सैचुरेटेड अल्केन। That means case में क्या है, assertion तो true है but reason is false, जो reason दिया है वो गलत है। Next question में assertion, ethanol is present in alcoholic drink, that is true, alcoholic drink में ethanol present होता है। Reason क्या दिया है, ethanol has formula CH3OH, that is incorrect, ethanol की formula क्या होता है CH3CH2OH, that is a methanol, that is the formula of methanol, that means ki reason is false. To jo correct option hoga,
assertion is true, but the reason is false. Next question. Question 77. Assertion: ethanoic acid reacts with ethyl alcohol in presence of concentrated sulfuric acid to form ethyl ethanoate. Reason: ester are used in ice creams and cold drinks. अब क्या कह रहे हैं, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ इथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंक सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म इथाइल इथेनॉल, दैट इज करेक्ट. रीजन क्या दिया है, एस्टर आर यूज्ड इन आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स. एस्टर्स क्या है, आइसक्रीम और परफ्यूम में सारे एस्टर यूज होते हैं, मतलब कि आइसक्रीम के जो परफ्यूम बनते हैं या कोल्ड ड्रिंक में जो परफ्यूम आते हैं, तो ये भी करेक्ट है. बट द रीजन इज not the correct explanation of assertion, क्योंकि यहाँ दूसरा चीज पूछ रहा है और रीजन दूसरा चीज बता रहा है. That means कि assertion and reason are correct, but the reason is not the correct explanation of assertion. That is the correct answer. Next question. Vegetable oils are unsaturated, react with hydrogen in presence of nickel to form vegetable ghee. That is fat. Reason क्या है, this reaction is esponification. तो जो assertion है, vegetable oils unsaturated होता है, hydrogen से react करता है in presence of palladium or nickel to form vegetable ghee, fat form करता है, that is correct. But the reaction is, reason दिया, the reaction is esponification, that is wrong. That means the correct answer is, assertion is true, but the reason is false. Next question, 79. Assertion: soaps are 100% biodegradable but do not work well with hard water. Reason: some detergent are not biodegradable but work well with hard water. Assertion कर रहा है कि जो soap है वो 100% biodegradable है but hard water के साथ काम नहीं करता है. रीजन्स बता रहा है कि सम डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं बट वर्क वेल विथ हार्ड वाटर, मतलब कि एसर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, क्योंकि एसर्शन जो पूछ कह रहा है वो कह रहा है सोप जो है 100% बायोडिग्रेडेबल है बट हार्ड वाटर के साथ काम नहीं, यहाँ सम डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल होता है बट वर्क वेल विथ हार्ड वाटर, ये भी सही है लेकिन that is not a correct explanation of assertion. तो जो सही क्या है, the assertion and reason are correct but the reason is not correct explanation of assertion. Next question. Hundred percent pure ethyl alcohol is called absolute alcohol. क्या कहते हैं 100% प्योर इथाइल अल्कोहल को, एब्सोल्यूट अल्कोहल. नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग वन कार्बन एटम इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, दैट इज द फर्स्ट एसिड HCOOH, दैट इज अ फॉर्मिक एसिड. मीथेन react with 1 mole of chlorine in presence of sunlight to give chloromethane. Methane jab chlorine se react karega to kya banega, chloromethane CH3Cl, that is the chloromethane, and the reaction is called substitution reaction, hydrogen substitute ho jayega. The number of isomers of C6H14 are 5. Next question, addition of hydrogen to an unsaturated hydrocarbon to produce saturated hydrocarbon is known as hydrogenation, that is true. क्यों, unsaturated hydrocarbon में क्या होता है, hydrogen कम होता है, जब hydrogen की addition होगा तो saturated hydrocarbon produce करेगा, that is hydrogenation. Next question,
How much carbon is present on Earth and carbon dioxide in atmosphere? कितना अर्थ पे कार्बन प्रेजेंट है? 0.02%. एंड एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर? कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन हवा के प्रेजेंस में बर्न्ड होता है तो जो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. व्हाट इज एलोट्रॉप? इट इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म विच डिफर अ फिजिकल प्रॉपर्टीज बट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. एलोट्रॉप एक प्रॉपर्टी है एलिमेंट का जो एक फॉर्म से ज्यादा में एग्जिस्ट करता है, बट उसकी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग होती है बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, दैट इज कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट. ये सारे कार्बन के इलेक्ट्रॉप्स हैं. एज फॉर कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सो इलेक्ट्रॉप्स. कार्बन का इलेक्ट्रॉप क्या है? डायमंड, ग्रेफाइट. डायमंड और ग्रेफाइट की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है. नेम द थ्री एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. डायमंड, ग्रेफाइट एंड बुकमिंस्टर फुलरेन्स. विच इज द प्योरेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन? सबसे प्योर एलोट्रॉप कार्बन का कौन सा? बुकमिंस्टर फुलरेन्स, C60 कार्बन होते हैं. कार्बन कितने होते हैं? 60 कार्बन चेन होते हैं. Why is graphite soft and slippery? Due to weak van der Waals forces of attraction between hexagonal layers. Graphite is soft and slippery due to weak van der Waals force of attraction between hexagonal layers. Why is diamond hard? This is because strong covalent bonds. Next question. Why is diamond lustrous? This is because of high refractive index. Which gas is present in biogas and CNG? Methane. What are organic compounds? Organic compounds क्या है? तो organic का मतलब mainly carbon का compound. Compounds which consist of carbon essentially and hydrogen mostly along with other elements like oxygen, sulfur, nitrogen, halogen are known as organic compounds. जो organic compounds होते हैं उसमें carbon बिल्कुल ही जरूरी है और उसके बाद हाइड्रोजन होता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन एसेंशियल पार्ट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन है अलोंग विथ अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन भी लिंक होते. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी. यूरिया. सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर हुआ वो क्या हुआ? यूरिया. कौन किया यूरिया? ओहलर ने प्रिपेयर किया था 1828 में बाय हीटिंग अमोनियम साइनाइड बाय आइसोमेरेज रिएक्शन. अमोनियम साइनाइड को NH4CNO को जब उन्होंने हीट किया तो NH2CONH2 दैट इज अ यूरिया, फॉर्मूला ऑफ यूरिया. तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया था लेबोरेटरी में वो यूरिया था जो 1828 में बना था, ओहलर ने बनाया था. तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे. जितनी बार रिवीजन करेंगे और अच्छा समझ पाएंगे क्योंकि ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है.
carbon and its compound, electricity, lights. ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इन सारे चैप्टर से जरूर ही आएंगे, तो इसको काफी ध्यान से करना है। तो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।